अब मैं आपको घाटी लेकर चलूंगी। 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज बीजेपी ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट में ट्विस्ट क्यों आया और ग्राउंड पर कैंडिडेट्स के गुस्से की जो पिक्चर निकलकर सामने आई वो आपको भी देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही राज्य में बीजेपी की अंदरूनी कलह भी सामने आ गई। बीजेपी की 44 प्रत्याशियों वाली पहली लिस्ट में जम्मू नॉर्थ सीट से ओमी खजूरिया का नाम नहीं देखकर उनके समर्थक नाराज हो गए, क्योंकि पार्टी ने खजूरिया की जगह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए श्याम लाल शर्मा को टिकट दे दिया। आगामा इसलिए हो रहा है कि जहाँ इन्होंने नए लोग लाए, इन्होंने कुछ संगठन से लाया ही नहीं, इन्होंने जो हमारा पार्टी ज्वाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ना अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना अच्छी बात है, मगर जो लोग पैराशूट से आ रहे हैं हम जय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जैसे दिग्गजों का नाम भी नहीं था। बाद में 44 नामों वाली सूची वापस लेते हुए पार्टी की तरफ से 15 नामों की नई लिस्ट जारी कर दी गई। जो चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे थे और उनका नाम नहीं आया तो वो मेरे से मिलने के लिए आए। मैंने सबके साथ मुलाकात की है और सबकी बात सुनी है और सबको विश्वास दिलाया है कि हम सब इकट्ठे होकर एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो सब कार्यकर्ता संतुष्ट हुए। बीजेपी की ओर से जारी नई सूची में इकलौती महिला उम्मीदवार शगुन परिहार का भी नाम है। शगुन परिहार को पार्टी ने किश्तवाड़ विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। शगुन परिहार बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने अनिल परिहार की हत्या कर दी थी। इस हमले में आतंकियों ने शगुन परिहार के पिता की भी जान ले ली थी। टिकट पर विवाद राजनीतिक दलों में होता रहता है, लेकिन चुनाव में कोई धांधली और विवाद ना हो इसके लिए घाटी में स्पेशल कमांड कंट्रोल रूम रेडी किया गया है। अब मैं आपको चुनाव आयोग के इसी स्पेशल कंट्रोल रूम में लेकर चलूंगी जो घाटी के लोगों को निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देगा। घाटी में अगर परिंदा भी पंख फड़फड़ाए तो इन 5000 कैमरों की नजर से नहीं बच पाएगा। निष्पक्ष विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने यह स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया है। एबीपी का कैमरा कंट्रोल रूम में खुला तो और क्या जानकारी मिली। मैं एक कमांड और कंट्रोल सेंटर में हूं जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर ने जम्मू में लगाया है। बता दूं इस कमांड और कंट्रोल सेंटर से हजारों कैमरों की लाइव फीड आप मेरे सामने देख सकते हैं। हजारों कैमरों की लाइव फीड यहां मॉनिटर हो रही है। ये न केवल सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है बल्कि इसके साथ साथ चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो किसी तरीके की लिकर हो या कैश हो, वो जम्मू कश्मीर में ना आए, इस पर भी लगातार चुनाव आयोग की नजर बनी हुई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हजारों कैमरे लगे हैं, एक एक कैमरा कैसे मॉनिटर होगा, चुनौती कितनी बड़ी है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हमने इसी तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी मॉनिटरिंग की, राउंड द क्लॉक 24x7। वाकई तरीके से ये जो है हमारा कमांड सेंटर काम कर रहा है, तीन शिफ्टों में, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात और रात से फिर सुबह तक, तीन शिफ्टों में हमारे मुलाजम साथी जो है साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग। साथ ही साथ हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पे हैं वो भी बैठी रहती हैं और वो भी देखती, तमाम किस्म की एक्टिविटीज पर लगातार एक बाज की तरह जो है वो नजर बनाई गई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक साथ कई रोल निभाएगा, नेताओं के मन लुभावन और भ्रामक प्रचार पर नजर रखेगा, साथ ही घाटी के वोटर्स को शांतिपूर्ण चुनाव का माहौल देगा, क्योंकि ये कैमरे जम्मू कश्मीर की हर डिस्टिलरी, पुलिस नाका, जम्मू के साथ लगने वाली सीमाओं और रेलवे स्टेशन के साथ साथ हर संवेदनशील जगह पर लगाए गए हैं। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए, चुनाव में जो चाहे वोटरों को प्रभावित करने की बात हो उसे रोकने के लिए किस तरह न केवल चुनाव आयोग बल्कि जो बाकी दूसरे संबंधित विभाग हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हैं। मकसद एक कि देश का जो पर्व है, लोकतंत्र का जो पर्व है, वो निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज जम्मू। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।